ओ भाई, राशन फ्री में नहीं मिलता क्या? तुम्हारा हर दफा का नाटक है। पहले पिछला हिसाब क्लियर करो, फिर मुंह उठा करो। तो आपका तीसरा महीना होने वाला है ड्यू। अगर अब इस महीने तीसरे महीने में किराया नहीं दिया आप रात, मुझे किराया चाहिए, मुझे नहीं पता। आप वरना खाली कर। हेलो, सुनिए, घर की लाइट कट गई है और पकाने के लिए राशन भी नहीं है। मैं आयत को लेकर अम्मी के घर जा रही हूँ। आज मेरी ज़िंदगी इस मोड़ पर आ गई है कि अब हर तरफ दुख, दर्द और मुश्किलात ही रह गई हैं। मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं रहा, मैं नाकाम हो गया हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई हमदर्द ही नहीं। खुदा, मैं तेरी तरफ आ रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद सैफ है। मैं एक निजी कंपनी में एज अ अकाउंटेंट जॉब करता था। कोविड-19 के बाईस हज़ारों लोगों के साथ मैं भी बेरोज़गार हो गया। काफ़ी जगह कोशिश की लेकिन नाकामी ही मिली। और फिर एक दिन बाबा, बाबा जी बेटा, मेरे लिए चॉकलेट लेके आना। ठीक है बेटा, याद से। ओके बेटा। मेरे पास तो सिर्फ 10 ही रुपए हैं, चॉकलेट कहाँ से लाऊं? ओ भाई, अच्छा हुआ आप मुझे मिल गए, किराया नहीं दिया, 2 महीने हो गए, तीसरा महीना चल रहा है यार। भाई आज मेरा इंटरव्यू है। यार भाई, आपका तीसरा महीना होने वाला है ड्यू। अगर अब इस महीने तीसरे महीने में किराया नहीं दिया आप रात, मुझे किराया चाहिए, मुझे नहीं पता। आप वरना खाली कर दीजिएगा, जॉब लग जाएगी इंशाल्लाह। नहीं बस, मुझे आज तक आपके पास टाइम है, वरना फिर आप खाली कर दीजिएगा। बड़ी मेहरबानी आपकी। सैफ, सलाम नानी। क्या सैफ, आपसे क्या हाल है? मैं ठीक, तू सुना, कहाँ परेशान परेशान घूम रहा है? यार बस क्या बताऊँ, जॉब भी नहीं लग रही और माल भी मकान ने सुबह रेंट भी मांग लिया, इसी से बहुत परेशानी। ये बताओ तुम क्या मदद कर सकते हो? अबे मैं खुद उधार की सिगरेट पी रहा हूँ, तेरी मदद कहाँ से करूँगा बे। तू एक काम कर, टेंशन नहीं रहे, फैज़र है ना अपना दोस्त, वो सेट हो गया, वो तेरी कुछ ना कुछ मदद कर देगा, तू उससे कॉन्टेक्ट कर ले। कौन सा वो फैज़र? यार उसका कांटेक्ट नहीं है मुझसे कुछ। एक काम कर, कांटेक्ट नंबर लिख, बात कर ले। 0313। ठीक है, ओ परेशान नहीं हो, सेट हो जाएगा। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। अबे यार क्या करूं, इसको मैसेज ही कर देता हूँ।
यार खिदर, मैं काफ़ी टाइम से बेरोज़गार हूँ और घर के हालात भी काफ़ी ख़राब हैं। तुम अगर कुछ मेरी मदद कर दो तो तुम्हारा एहसान मंद होगा। आज मेरी ज़िंदगी इस मोड़ पर आ गई है कि अब हर तरफ दुख, दर्द और मुश्किलात ही रह गई हैं। मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं रहा, मैं नाकाम हो गया हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई हमदर्द ही नहीं। खुदा, मैं तेरी तरफ आ रहा हूँ। ये पैगाम शायद मेरी आखिरी नमाज का है, आखिर इसको तो अदा करूं। بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اسلامی بھائیوں، کبھی کبھی زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں زندگی سے ہار نہیں ماننی چاہیے۔ اللہ سے مایوسی کفر ہے۔ انسان پہ اللہ اس کی برداشت سے زیادہ آزمائش نہیں ڈالتا۔ اکثر لوگ زندگی سے تنگ آ کر خودکشی کا سوچتے ہیں، جو کہ کفر ہے۔ اللہ سورۃ النساء آیت نمبر 29 قرآن میں فرماتا ہے، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ یا مالک، میرے لیے بھی کوئی وسیلہ بنا، میں تھک گیا ہوں اس آزمائش سے، میرے لیے آسانیاں فرما۔ صاحب، میں خضر بات کر رہا ہوں، تمہارا میسج میں نے دیکھا، تم پریشان مت ہو۔ تمہارے اکاؤنٹ میں بھی میں کچھ پیسے ٹرانسفر کر رہا ہوں اور تمہاری جاب کی بھی کوئی نہ کوئی سیٹنگ کرتا ہوں۔ صحیح ہے جانی؟ اوکے، اللہ حافظ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔